नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील कुमार। तो देखिए, जो आपकी UKMSSB है उसके अंतर्गत फार्मासिस्ट एलोपैथिक श्रम विभाग के अंतर्गत जो है 62 पदों पर यह विज्ञप्ति आई हुई है, और ये विज्ञापन की जो तिथि है वो 16 अक्टूबर है, तथा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 29 अक्टूबर रहेगी। यानी कि इसमें आप 29 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और इसमें 18 नवंबर तक आप जो है आवेदन प्रक्रिया कर सकते हैं, और इसका जो आवेदन का शुल्क है वो 18 नवंबर तक रहेगा, यानी लास्ट तारीख तक रहेगा। तो देखिए, इसमें 62 पद हैं, और जो है राज्य बीमा योजना स्वयं चिकित्सा सेवा उत्तराखंड में फार्मासिस्ट एलोपैथिक पद हेतु रिक्तियों की जो कुल संख्या है वो 62 है। आइए हम इनका देखते हैं विवरण। तो देखिए, SC अनुसूचित जाति की 11 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 2 पद, OBC के 8, आर्थिक रूप से कमजोर के 6 हैं, और जो जनरल हैं उनके 35 पद हैं। कुल मिलाकर 62 पदों पर ये भर्ती है। ये देखिए, 36 आरक्षण है जिसमें महिला के 3 पद हैं और एक जो है आंदोलनकारियों का है। इस तरह से SC के अंतर्गत दिए हुए हैं, 7 अन्य के हैं। ऐसे ही जो है ST के अंतर्गत 2 पद हैं, 8 पद जो हैं OBC के हैं जिसमें 2 महिला के हैं और 6 अन्य के हैं। आर्थिक रूप से कमजोर ABS के लिए 6 पद हैं जिसमें 1 महिला का है और 5 अदर के लिए हैं, और जनरल के लिए 35 पद हैं जिसमें 10 महिला के हैं, एक दिव्यांग का है, एक भूतपूर्व सैनिक का है, एक अनाथ बच्चे तथा कुशल खिलाड़ियों के लिए 1 है, और आंदोलनकारियों के लिए 3 और 18 अदर के लिए हैं। तो कुल मिलाकर 62 पदों पर यह भर्ती है। और देखिए, इसकी शैक्षिक योग्यता तो है, सेवा में फार्मासिस्ट के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्ज होनी चाहिए। अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त यानी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो, तथा स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग उत्तराखंड में रजिस्ट्रीकृत होना भी चाहिए। अगर इसके अलावा कोई अदर योग्यता है आपके पास तो आप देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। और आयु जो है आपकी 21 से 42 वर्ष होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो देखिए, ये आपका जो है छूट के हिसाब से भी इसमें दिया हुआ है, और जो व्यक्ति इस पद के योग्य हैं रखते हैं योग्यता रखते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आइए हम देखते हैं इसमें कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें। तो अब हम नीचे देखते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो देखिए, जो विकलांगों की कैटेगरी है वो ये हैं। OL जो है इस तरह से होगा, OA DB AAB, ये सब जो है विकलांग लोगों की कैटेगरी होती है। जो इससे संबंधित आते हैं वो इसमें फिल कर सकते हैं। तो और खेल से संबंधित यदि इन खेलों में कोई प्रतियोगी है तो उसको भी आरक्षण दिया जाएगा। आइए हम देखते हैं इसका आवेदन शुल्क कितना होगा, इसमें अप्लाई करने के लिए हमें कितना आवेदन शुल्क देना होगा। तो देखिए, पहले तो हम देखेंगे चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, यानी किस हिसाब से इसमें जो है चयन प्रक्रिया रहेगी। तो देखिए, चयन के लिए 100 अंकों की MCQ टाइप की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 1/4 का जो है माइनस मार्किंग भी होगी, जिसमें फार्मासिस्ट से संबंधित जो फार्मास्यूटिक्स के हैं 10 क्वेश्चन होंगे, फार्मोलॉजी के 10 क्वेश्चन, और फार्माकोलॉजी जो भी हैं इनके जो 10-10 क्वेश्चनों के हिसाब से जो है 100 अंकों का क्वेश्चन पेपर आपका होगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये उनकी जो है सारे सब्जेक्ट्स हैं डॉक्टरी लाइन्स के। और देखिए, यदि इसमें कोई जनरल और OBC से है तो उनको 45% अंक लाना अनिवार्य है, यानी 45 नंबर 100 में से 45 लाना अनिवार्य है। SC ST के लिए 35 अंक लाना अनिवार्य है, तभी उसको पास माना जाएगा। तो आइए हम देखते हैं आगे। ये तो आवेदन करने की तिथि मतलब प्रक्रिया है, और हम देखते हैं और नीचे आकर के आवेदन शुल्क कितना रहेगा। देखिए, OBC के लिए और जनरल के लिए 300 रुपये का शुल्क रहेगा, EWS SC ST और दिव्यांग इनके लिए 150 रुपये का आवेदन शुल्क रहेगा। इसमें कोई सिलेबस नहीं दिया है, शायद इसका सिलेबस अलग से दिया जाए, तो आप जो है साइट पर जाकर सिलेबस भी देख सकते हैं, और जो इसमें अप्लाई करेंगे वो इस PDF को डाउनलोड करके सही से अवलोकन करने के बाद इसमें ऑनलाइन कर दें। तो इस PDF में सिर्फ इतना ही है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।